हमारे यहाँ हिंदुस्तानी चरित्र में है कि हम हमारे हीरोज को करप्शन के फ्री देखते हैं, चाहे वो एपिक हो, वो फिल्म हो या पॉलिटिक्स हो। आप 1989 का जिक्र कर लीजिए, बोफोर्स का कुछ नहीं हुआ लेकिन बोफोर्स से सरकार बदल गई ना 414 की। 2014 की सरकार भी जो यूपीए गवर्नमेंट थी वो भी करप्शन के इश्यूज पे बदली, आपने बता दिया कि भाई उसमें कुछ नहीं हुआ। आप दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार को देख लीजिए, वो भी उसी तरह से गई थी। कर्नाटक में जो सरकार गई वो भी करप्शन के इशू पे गई। तो जब करप्शन का इशू बनता है, और इसमें एक छोटी सी बात मैं जोड़ दूं, अजीत पवार का आपने जिक्र किया, मध्य प्रदेश का जिक्र किया, इससे क्या हो रहा है, भले ही वो स्टेट के इशू हैं लेकिन उससे आपकी जो जीरो टॉलरेंस की जो दावा और होता जो गारंटी है, गारंटी है, उस पर लोगों को भरोसा कम होने लगता है। ठीक है यशवंत, जो बात अभय दुबे कह रहे थे, क्योंकि आप लगातार सर्वेज करते हैं, लोगों की नब्ज टटोलते हैं, हर हफ्ते एबीपी न्यूज पर आपके सर्वेज पर हम चर्चा भी करते हैं, 2014 और 2019 से उलट 2024 की लड़ाई में पहली बार चुनाव पूर्व एक गठबंधन शक्ल अख्तियार करता दिख रहा है विपक्षी खेमे में बीजेपी एनडीए के खिलाफ। ये क्या बड़ी चुनौती है जिस तरह से आंका है अभय दुबे ने? नैरेटिव में चुनौती हो सकता है बड़ी है, अंकगणित में चुनौती बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होने की संभावना है। कारण उसका बहुत साफ है। मैं दोनों बातों से सहमत हूं। दरअसल जो प्रदीप जी ने बोला मैं वहां पर भी सहमत हूं, जब भाई जी ने कहा मुझे उसमें भी बात में तब दिखता है कि नैरेटिव कम से कम आएगा कि हाँ लड़ाई चुनौती एक साथ आ रहे हैं, वो चीज है। लेकिन अंकगणित में इसका कोई बहुत ज्यादा अंतर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जैसा कि पहले भी मैंने एक बार जिक्र किया था कि जो कांग्रेस के इतर जितनी भी इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं वो ऑलरेडी संदीप 2014 और 2019 में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, वो खराब प्रदर्शन नहीं किया है। ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने पिछले 9 सालों में बीजेपी को राज्य के चुनाव में भी हराया है और केंद्र में भी जम के टक्कर दी है। राज्यों के तो आधे चुनाव बीजेपी हारी है, उनकी कोई कमी नहीं रही है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। राज्य के आधे चुनाव बीजेपी हारी, लोकसभा में भी आप देखें ना, स्टालिन ने क्या लोकसभा डिलीवर नहीं किया, या ममता बनर्जी ने लोकसभा डिलीवर नहीं किया, या किसने डिलीवर नहीं किया? अगर आप वैसे देखें तो दरअसल 2014 और 2019 की कहानी गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के फेलियर की कहानी नहीं है, 2014 और 2019 की कहानी कांग्रेस के फेलियर की कहानी है एज एन इंडिविजुअल पार्टी। मुझे अलायंस फॉर्मेशन में कोई भी कहीं दिक्कत इसलिए नहीं लगती है क्योंकि एक आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब के इक्वेशन को आप छोड़ दें, उसके इतर बाकी सभी राज्यों में या तो कांग्रेस बिल्कुल डेसिमेट हो गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्या 5 सीट से ज्यादा मांगने की स्थिति में है समाजवादी पार्टी से? नहीं है, मतलब ये जूनियर हैसियत में है। बाकी जहां पे कांग्रेस है वहां पे इन पार्टियों के कोई मायने नहीं है। इसलिए मुझे लगता ही नहीं कि सीट सिलेक्शन या सीट कोऑर्डिनेशन में कोई बहुत बड़ा मसला आएगा। 2 या 4 राज्य अगर आप बोलें, 4 राज्यों में से 2 राज्य पश्चिम बंगाल और केरल जो है वो उलट बांसिए की तरह से है, लेफ्ट को केरल से में कांग्रेस से लड़ाई करनी है, पश्चिम बंगाल में उनके अलायंस में लड़ना है, ये पहले से चला आ रहा है, मुझे उसमें भी कोई समस्या बहुत बड़ी दिखती नहीं। शायद एक इसमें ये हो जाए कि ममता बनर्जी बोले उनको कि लेफ्ट फ्रंट को छोड़ करके आप हमारे साथ आ जाइए, मुझे लगता है कांग्रेस को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मुख्य जो एक कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक अलायंस की होगी वो शायद दिल्ली और कुछ हद तक शायद पंजाब और कुछ हद तक दिल्ली भी मैं इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस अच्छे से जानती है लोकसभा चुनाव में वो नंबर 2 की पार्टी होती है। आपको याद होगा 2019 में शीला दीक्षित जी को दोबारा चार्ज दिया गया था और 6 महीने के अंदर उन्होंने दिल्ली लोकसभा में कांग्रेस को नंबर 2 की पार्टी खड़ा कर दिया था। तो सीटों के इक्वेशन में वो कुछ भी किस तरीके से अलायंस करें, पंजाब एक इशू होगा क्योंकि पंजाब आम आदमी पार्टी का जीता हुआ राज्य है, वो कांग्रेस को कितनी सीटें छोड़ना चाहेगा नहीं चाहेगी, एक ये छोटा सा एक वो हो सकता है। लेकिन जिस कॉम्बिनेशन में केरल और पश्चिम बंगाल जैसे विरोधाभास भी हो, वहां पे पंजाब और दिल्ली के कुछ विरोधाभास हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो मतलब सीट शेयरिंग में दिक्कत नहीं आएगी, पर कागज में जो अरिथमेटिक दिख रहा है वो जमीन पर भी उतरता दिखे वो दिक्कत की बात है। दिक्कत वहां होगी,
कागज पर गणित जो अच्छा लग रहा है जरूरी नहीं कि वो जमीन उसमें समस्या आएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।